नमस्कार, मैं हूँ विजय पाटकर। मेरे दोस्त अबीर खान जी और राहुल, ये दोनों ने मिलकर एक बॉलीवुड चैनल निकाला है, उसका नाम है फिल्म ची। जो आउट एंड आउट जो बॉलीवुड की खबरें, और आजकल तो बॉलीवुड में बहुत कुछ हो रहा है जी, बायकॉट से लेके और बहुत बहुत कुछ होने वाला है, बड़े बड़े फिल्में आ रही है। तो मुझे तो लगता है अबीर भाई, तुमने तो बहुत टाइम पे तुमने ये चैनल खोला हुआ है, मतलब मटेरियल तो बहुत बहुत मिलने वाला है। अभी हार भी फिल्म आ रही है, रोहित शेट्टी की फिल्म आ रही है सर्कस दिसंबर में, तो उसका भी कुछ प्रमोशन करना भाई। बिल्कुल सर, मतलब रोहित शेट्टी का तो हो जाएगा, मैं मेरा बोल रहा हूँ, मेरा एक छोटा कलाकार हूँ तो मेरा। तो इस फिल्म ची बॉलीवुड चैनल के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सालों साल चलता रहे, एक ही नहीं, जैसे कि पहले न्यूज़ चैनल आपने खोला था वो भी बहुत चला, उसमें मेरी कम से कम 2-3 इंटरव्यू हो चुकी है, वैसे ही यहाँ ये ऐसे 3-4 चैनल और खोले, बहुत बिजी हो जाए, ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई, राहुल ऑल द बेस्ट, और आपके लिए भी थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि बॉय बायकॉट का जो ट्रेंड चल रहा है, अभी क्या कहना चाहेंगे आप, इतने सालों से काम कर रहे हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्यों ऐसा हो रहा है, बाकी इंडस्ट्री में कभी सुनने को ऐसा नहीं मिला, और इतने सालों से इस वक्त ऐसा क्या हो गया जो इंडस्ट्री को फेस करना पड़ा है? देखो, वो तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि बायकॉट हो रहा है, सबको मालूम है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कॉमेंट हुए, उसके ऊपर कौन कौन रहा है। लेकिन एक मैं बोलना चाहता हूँ कि भैया, बायकॉट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी रोजी रोटी, हमारे जैसे आर्टिस्ट है, हम कोई रणवीर सिंह या हम लोग कोई शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन नहीं है। अगर फिल्में हो जाएगी, अच्छी अच्छी फिल्में होगी तो हमें काम मिलेगा, हमें काम मिला, आप हमें इंटरव्यू लेंगे। अगर ऐसे बड़ी बड़ी फिल्म अगर बॉयकॉट होने लगी तो आप काम क्या हो, काम का एक विषय सर्कल है ना, ये सर्कल होना चाहिए, एक काम अपनी जगह पर, ये सब बॉयकॉट अपनी जगह पर होना चाहिए, मैं ऐसे बोलना चाहता, क्योंकि बुरी चीज़ है। क्यों हो रहा है आप सबको मालूम है, तो मैं तो उसको कोई फॉर या मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहता, उतना ही बोलूँगा कि भैया काम, बहुत से 2 साल के बाद इंडस्ट्री शुरू हुई है, बहुत प्रॉब्लम दे, सबसे लास्ट में जो धंधा शुरू हुआ, इंडस्ट्री शुरू हुई, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, तो अभी अभी उभर रही है, तो अभी थोड़ी उभरने दो भैया, हमें माफ़ कर दो, जो भी कुछ हुआ होगा हमें काम करने दो। सर, ये भी रहा कि आज के दौर में जो ओटीटी का चलन है, ये कारण हो सकता है बायकॉट के लिए, क्योंकि ओटीटी के माध्यम से आप मोबाइल पे कोई भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं और दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, और प्रोड्यूसर को अच्छी डील मिल जाती है ओटीटी पे, तो वो एक कारण आप मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि फिल्में जो चलने वाली वो तो चल रही है, जुग जुग जियो कैसे चला, भूल भुलैया 2 कैसे चला, सूर्यवंशी कैसे चला, ये तो फिल्में चली ना। अभी कार्तिकेयन ये भी तो आने वाली है ओटीटी पे, तो वो क्यों चल रही है? वो तो फर्स्ट डे का कलेक्शन उसका 4 लाख रुपया था, और 3 दिन का कलेक्शन का 15 करोड़ है, एक वीक का भी कलेक्शन कुछ हुए 50-60 करोड़, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है। वो नहीं, ये सब क्या बोले, पत्रिका से निकलना हो रही है ये बात है, आप अच्छी फिल्में करो, हो जाएगी, शायद हो जाएगी। आप भी अपने करियर में काफी सारे इंटरव्यूज दिए होंगे, काफी सारे फिल्म पत्रकार से मिलेंगे, आप इससे जो पहल है क्या करना चाहेंगे? आज के दौर में जिस तरह का मीडिया काम कर रहा है, काफी नया चीज आया, डिजिटल मीडिया आ गया है, और भी कई नई चीजें हैं, कि क्या कहना चाहेंगे मीडिया का जो रवैया है खासकर फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, वो कितना अच्छा है, क्या उसके लिए क्या? आज क्या होता है, क्या हो रहा है, आज एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बड़ी है, मतलब आज अभी इनको, ये मेरे ये सीनियर है मेरे, इनको तो मैं मतलब महीने में 2 बार तो मिलता ही हूँ, उसमें बहुत कम होती थी इंटरव्यू, तो एक एक पैमाने पे होता था, एक मतलब प्रेस हुई तो मतलब प्रेस है, जो मराठी फिल्म भी होती थी तेजाब के वक्त वगैरह होती थी, अरे प्रेस मतलब कम से कम 70-80 लोग रहते थे, अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक ही मेरा शूट कर दिया डिजिटल है, आप एक भेज सकते हो, सबको भेज सकते हो, आपके 40-50 लोग हैं और भेज सकते हो, उसमें वैसे नहीं था, मैनुअली था, सब मैनुअल था, ये फ़ोटो होते थे, वीडियो तो था ही नहीं, तो सिर्फ फोटो होते थे और न्यूज़पेपर, टीवी भी कम था। आज इतने भी न्यूज़ खुले हैं, देखो ये अच्छा है, ग्लोबलाइजेशन होना है, ये चीज़ें ये होना था, वो पीछे की मैं स्टिक करके नहीं बैठ सकता, मैं जो भी है अच्छी हो रही है, सब चीज़ों का पॉजिटिव ही ले सकते हो। पापराजी कल्चर आजकल हर सेलिब्रिटी को फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, जर्नलिस्ट 24 घंटे मतलब नजर रखते हैं, वो कहाँ तक सही मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक जो पर्सनल लाइफ होता है सेलिब्रिटी का, भी एक पर्सनल लाइफ होता है, तो वो कितना अफेक्ट होता है? देखो, आप जो जैसे मीडिया वाले हो, एक एक का एक कैटेगरी है, जैसे पापराजी एक कैटेगरी है, आप एक्टर अपना काम छोड़ के अगर दुनिया भर की चीज़ें करने लगे
लोगोगे तो पापा जी को काम मिलने वाला है, नहीं तो पापा जी को वो काम मिले देखते क्या, कोई अच्छा कर रहा है, कोई अच्छी फिल्म कर रहा है, कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कुछ अच्छा तुम कुछ कर रहे हो, समाज उपयोगी कोई कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए पापा जी जाता है क्या? नहीं जाता, उसके वही काम है, उसका वही करना चाहिए। तो आप अभी हम लोग हैं, अभी 40 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मुझे तो कभी लगा नहीं इन्होंने ये मालूम मैं क्या करता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ या कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, एक आर्टिस्ट जो है मेरे उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ वही करता हूँ, बाकी के काम क्यों करे। हर हर आदमी अलग है, एक्टर अलग है, हर एक की मेंटेलिटी अलग है। पापा जी के लिए अगर आपको काम करना है तो आप करते रहो, हम तो उनके लिए काम नहीं करेंगे, हम तो आपके लिए काम करेंगे भाई। अच्छे हमारे अभी जी अच्छा चैनल खोल रहे हैं, उनके लिए हम काम करें, उनके लिए काम करेंगे। देखिए मैं भी आप ही की तरह एक पत्रकार हूँ, हर तरह की खबरें कवर की हैं मैंने, मुझे लगा कहीं ना कहीं एक ऐसा चैनल और होना चाहिए जो आजकल चल रहा है उनकी तरह वो ना हो। क्यों? आजकल हम जो काम करने के होते हैं वो तो कर नहीं रहे हैं, हम किसी और काम में लग गए हैं, कौन कहाँ छोटे कपड़े पहन के आया है, किसने क्या किया है, क्योंकि जो डिजिटल की दुनिया है ना उसमें सबसे ज़्यादा रीच की, फॉलोअर की भीड़ चाहिए हर किसी को। कोशिश है कि कुछ अच्छा दिखाएं, बॉलीवुड के बारे में वो दिखाएं जो लोगों तक ना पहुंचता हो, ना कि गंद दिखाएं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की एक छोटी सी, और साथ मुझे किसका है, आप जैसे भाई लोग हैं, सर हैं, उतना साथ काफ़ी है। तो कुछ बताइए शुरुआत कैसे करने वाले, कुछ प्लान क्या होगा अपने फ्यूचर के लिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर? फ्यूचर के लेकर के ये प्लानिंग है, हम इसको जल्दी ही टीवी पर लेकर के आएंगे जी। सर आपसे चाहूँगा कि आपका क्या जुड़ाव है अभी सर के बारे में, और सर के बारे में जो बहुत सुने गए यहाँ है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी सर तो आप जैसे जानते हैं अपन सर, वो भी ओटीटी मीडियम की बात है, तो ओटीटी की वजह से तो आज ये सब एक्टर दिखाई दे रहे हैं आज, मतलब इतने बड़े एक्टर जो आज हिंदी फिल्म के लेवल पे है ज़्यादा एक्टर, और ओटीटी लेवल पे वो भी इतने बड़े हो गए, जैसे पंकज त्रिपाठी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, वो सब जो कैरेक्टर एक्टर है वो तो अभी सारे सुपरस्टार है, राधिका आप्टे वगैरह सुपरस्टार है। तो एक एवेन्यू खुला है, अच्छा उनके लिए वो चाहिए था ना, हमने से एक्टर के लिए भी चाहिए था, हम थिएटर से आए हुए, तो हमें कोई बच्चे सब का रोल हमें मिलने वाला नहीं, मुझे मेरा ही रोल मिल रहा है। तो ओटीटी में मैं कर रहा हूँ, मैं नया ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है उसमें लीड कर रहा हूँ, मैं टाइटल कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो मेरे जैसा कैरेक्टर भी एक वेब सीरीज का हीरो बन सकता है, हीरो मतलब लीड प्रोटैगनिस्ट हो सकता है, हमारे जैसे एक्टर बन सकते हैं। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत बहुत बढ़िया है। और एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ बायकॉट कल्चर चल रहा है, दूसरी तरफ साउथ फिल्में बहुत अच्छा कर रही हैं, नॉर्थ में भी अच्छा कर रही हैं, वेस्ट में भी अच्छा कर रही हैं, वो कितनी अच्छी बात है कि साउथ फिल्मों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स अच्छे भैया फिल्म चल रही है सब, भोजपुरी भी अच्छे चल रहे थे तभी भी हमें बहुत आनंद था, जो भोजपुरी फिल्में चल रही थी बहुत आनंद था हमें, मैंने भी एक या दो फिल्में मैंने भोजपुरी कर चुका हूँ मैं, हमारे रवि किशन भाई ने मराठी में एक फिल्म की है वो भी आके कहा, बच्चन साहब ने की, अजय देवगन साहब ने की थी। तो ये फैक्टर है, ये माहौल इसका चल रहा है तो मेरे पेट में दुख रहा है, मेरे क्यों दुखे भाई, इंडस्ट्री तो है, भोजपुरी हो या साउथ की हो या कोई ब, 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 अभी गुजराती फिल्म में देखो नारी दोष क्या पिक्चर चल रही है, बच्चन साहब ने जो गेस्ट अपीयरेंस किया है क्या फिल्म चल रही है, भैया इंडस्ट्री चलनी चाहिए कोई भी हो करो, हिंदी को कुछ थोड़ा ग्रहण लग चुका है, वो ग्रहण भी हट जाएगा, चीज़ें सब आहिस्ता से साफ हो जाएगी, ग्रहण तो भी साफ हो जाता है, सब हो जाएगा और सब निखर के आएगा, सब फिल्में हिंदी फिल्में चलने वाली है। लास्टली गणपति का पावन त्यौहार चल रहा है, पूरा मौका दिया है गवर्नमेंट ने खुल के आपको सेलिब्रेट करने का, उसके लिए कितने खुश हैं इस बात में? बहुत खुश। देखो अभी त्यौहार है, त्यौहार मनाने को तो अच्छा ही लगता है, 2 साल से त्यौहार नहीं मनाता। देखो भैया मैंने त्यौहार मनाया जब इंडस्ट्री खुली, मैंने थिएटर में जाके फिल्म देखी, मैंने जाके शूटिंग की, उस दिन मेरा त्यौहार था। मुझे दिवाली गणपति या होली की मैं राह देखते नहीं, जब मेरे एक्टर मेरे दोस्त मेरे टेक्नीशियन जब मुझे मिले उस दिन मेरा त्यौहार था, उस दिन मेरी दिवाली थी, मेरी होली थी, मेरा गणपति था। और अभी तो त्यौहार है, मनाने अभी गोविंदा हमने बहुत धूमधाम से मनाया, त्यौहार है त्यौहार की तरह होना ही चाहिए, लेकिन मेरा त्यौहार है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री चलेगी लोग मिलेंगे वो मेरा त्यौहार। सर इसके अलावा बॉलीवुड को जिस तरह से देखा जा रहा है, बॉयकॉट किया जा रहा है, बॉलीवुड के फिल्मों
फिल्मों को बॉयकॉट किया गया, एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को भी बॉयकॉट किया जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि बॉलीवुड को खत्म करने के लिए एक साजिश? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मैं पहले बोल चुका ना, मैं पहले बोल चुका, वो कुछ चीज़ें ग्रहण है, कुछ दिनों के बाद सब हट जाएगा, सब चीज़ें साफ हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नहीं, कुछ स्टार्स ने ये भी मतलब स्वीकारा है, अक्षय ने स्वीकारा, सुनील शेट्टी का इंटरव्यू करते हैं 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि गलती हमारी है क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि दर्शक को देखना क्या है, कॉन्टेंट क्या चाहिए बेसिकली। भैया अच्छी फिल्म में हिंदी कॉन्टेंट जो है फिल्मों का आप मानते कमजोर है, इवन मराठी का कॉन्टेंट इतना अच्छा आपने काम किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? अरे बहुत, मराठी का तो नंबर वन है, मराठी कंटेंट, मतलब मैं 2-3 अभी इसके लिए मैं जज था, मैंने 50-55 मैंने फिल्में देखी, क्या कंटेंट है। आप ये लोग हमारे यहाँ ना थोड़ा हिंदी का मैं खुला खुला बोल देता हूँ कि बोलता है नहीं ये हिंदी में ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, अरे यार कौन बोलता है ये चलेगा, अच्छी फिल्में करो, अच्छी फिल्में करो, अगर अच्छी फिल्म आपको नहीं समझ में आती तो मैं लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छी फिल्म मतलब क्या हुई, जुग जुग जियो, बोल बोलैया 2, सूर्यवंशी, जिसको एंटरटेन हो रहा है या मुझे आनंद मिल रहा है फिल्म देखने को, वो अच्छी फिल्म है। आप कॉपी क्यों कर रहे हो, हिंदी इंडस्ट्री कॉपी करे, आज हिंदी इंडस्ट्री का भी एक है उसका एक वजन है उसका, जब तुम कॉपी करने लगते हो तो प्रॉब्लम हो जाता है। अब मराठी इंडस्ट्री क्यों उभर के आई है, कॉपी नहीं कर रही, खुद का बनाए, जो खुद का एक मटेरियल है वो कर रही है, हिंदी में करना चाहिए। पर नावल पे फिल्में आती थी, अब कहाँ है नावल पे फिल्में, अरे नहीं यार ये नहीं देखते यार, ये नहीं चलेगी, वही नावल तो OTT पे जाओ वो सब देखते हैं, उनको 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ के व्यूअर्स है। अच्छी करो, यहाँ से करो, यहाँ हाथ रखो करो, सब अच्छा हो जाएगा। सर आपसे आपसे जानना चाहेंगे कि चैनल कब से आप चालू कर रहे हैं और कौन से सैटेलाइट पे आपका आने वाला है, आपने बताया कि टीवी पे आने वाला, तो कौन सा सैटेलाइट? देखिए हमारी अभी हम एक स्लॉट के रूप में इसे लेकर के आएंगे, 4-5 चैनलों से बात चल रही है, जिससे भी डिसाइड होगा बहुत जल्दी सब आपके सामने आ जाएगा। जर्नलिस्ट नहीं है, कुछ समय पहले आपने अश्विन पटेल जी बुलाया था अपने इवेंट में, प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया था, तो उसका क्या कितना विकास हुआ, प्रोडक्शन हाउस को लेकर क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखिए आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, इसमें थोड़ा सा मैं खुल के नहीं बोल पाऊंगा, बट मैं आपको ये हिंट दे देता हूँ, इंडस्ट्री चोरों से भरी पड़ी है, इंडस्ट्री चोरों से भरी पड़ी है, और एक आदमी जो अपने सपने लेकर के इस मुंबई शहर में आता है, वो छोटा छोटा पैसा जोड़ करके वो कुछ करने की कोशिश करता है, क्योंकि मुंबई सबके सपने पूरे करती है, एक रात में सब पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ चीटर यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, जो आपके सपने चकनाचूर कर देंगे, मगर कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ है सर पे, आप लोगों की दुआ है, तो ऐसे लोग कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उनको बहुत जल्दी बेनकाब किया जाएगा, उसमें यही बोल सकता हूँ। और अश्मित जी की बात, वो जल्द ही आपके बीच में फिर से आने वाले हैं, वो रास्ते में है, मुश्किल से 10 मिनट में आ जाएंगे, फिल्म की खबर देगा, हम आर्टिस्टों की खबर देंगे, कुछ ना कुछ नई अपडेट्स देते रहेंगे, सो बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं चाहूँगा कि इनकी ये चैनल काफ़ी हिट हो, शानदार हो, और ऐसे ही आगे नई चैनलें लॉन्च करते रहे। एज ए जर्नलिस्ट तो मैं ये कहूँगा कि इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गाय एंड बहुत मेहनत करते हैं, परफेक्शनिस्ट है कह सकते हैं, और काफ़ी एक होता ना एक आगे बढ़ने की लालच, वो उनमें एक जुनून दिखता है, लालच नहीं जुनून कह सकते, तो वो उनमें काफ़ी दिख रहा है, तो आई एम श्योर आने वाले कुछ वक्त में वो बड़े लेवल पे जर्नलिस्ट में नाम कमाएंगे और उनकी शायद बड़ी चैनल भी लॉन्च हो जाए। आप ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड थोड़ा सा वीक हो रहा है, बिकॉज आजकल जो साउथ की सारी सारी बड़ी मूवीज़ आ रही है और बड़ी हिट हो रही है, और उसमें शायद हमारी फिल्म वालों की भी गलती कह सकते हैं कि वो उन्हीं की रीमेक भी बनाया जा रहे, तो एक जो कहते हैं रियल कॉन्सेप्ट या रियलिटी कॉन्सेप्ट वो है नहीं, कुछ फिल्म जो आती है रियल कंटेंट पे वो अच्छी चल रही है, सो बॉयकॉट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, हम ये भी आर्टिस्ट है, और काफ़ी आर्टिस्ट के अलावा टेक्नीशियंस हैं जो इंडस्ट्री में जुड़े लाखों की तादाद में, तो सबकी पेट उसी से भरता है, मूवीज़ बननी चाहिए, वेब सीरीज़ बननी चाहिए, और काम कंटिन्यू चलता रहना चाहिए ताकि लोगों का घर चलता रहे अच्छे से। फ्यूचर में अभी मेरी 3 वेब सीरीज मैंने कंप्लीट की है, एक है दल्ला जो अश्मित पटेल के साथ है, एक है बैड बिजनेस विद अर्शी खान, और एक है जनपद गुंडा जो UP राइवल स्टोरी पे है, सो ये 3 वेब सीरीज अभी मैंने कंप्लीट किया, आई थिंक इफ एवरीथिंग गोज वेल सो ये साल के एंड तक रिलीज हो जाएगी।
शो के बारे में, आदित्य सर के बारे में? अभी तो मैं इनसे मिली हूँ, अभिजीत जी से एंड राहुल जी से, और ये जेन्युइन पर्सन है और जो वर्क कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, इवन सोसाइटी के लिए कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ें हम तक पहुंचाती है, आम पब्लिक तक पहुंचाती है, और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। क्या कहूँ, बस इतना ही ना, कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलूँगी अभिजीत। मैं इसके लिए सबसे पहले तो आज आप लोग जितने लोग आए हुए हैं उन लोगों को दिलीप सेन का नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप में से ही कोई एक आज आके आगे बढ़ा। आबिर खान साहब ने जो ये लॉन्च किया है वो आपके फील्ड के हैं, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आज मुझे खुशी तो इस बात की हो रही है कि फिल्मची द आबिर खान शोज द लाइफ के हिसाब से इन्होंने जो चैनल शुरू किया है बहुत खुशी की बात है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि दिलीप भाई मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, पर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इनकी फिल्मची द आबिर खान शोज की पब्लिसिटी के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ, और ख़ास करके सारे मीडिया के सामने। तो ये बहुत बड़ी शुरुआत है आप लोगों की, मतलब आज आप ही में से एक खड़ा हुआ है। मुझे याद है आज से कुछ 30-40 साल पहले जब मैं इंडस्ट्री के लिए ट्राई कर रहा था, जब मैं सक्सेस हुआ 25-30 साल पहले जब मेरी फिल्म हिट हुई, तो आप में से एक होते थे जेडे जौहर साहब जिन्होंने मायापुरी में लिखते थे, तो मैं उनसे कहा कि मैं कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पत्रकारों के लिए, मीडिया, उस वक्त तो मीडिया इतनी होती थी, पत्रकार ही होते थे ज़्यादा। तो वो ये कहा कि दिलीप भाई कैसे होगा ये शुरू, और आज आबिर खान साहब की ये शो देख के और आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला से, ईश्वर से, भोलेनाथ से दुआ करता हूँ कि फिल्म ची जो उन्होंने शो शुरू किया है वो बहुत आगे सक्सेस हो, और उसमें हमारे लायक कोई भी सेवा होगी मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और अब मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ कि हम सबके चहेते लाडले स्टारों को, स्टार सुपरस्टार हमारे महागुरु गुरुजी श्री विमल कुमार जी, डॉक्टर विमल कुमार जी हमारे बीच आए हैं भोपाल से, खास करके आबिर भाई को दुआ देने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आबिर भाई के लिए कि ये खास भोपाल से चल के आ जाएँ। तो मैं विमल गुरु जी से कहूँगा, प्रभु जी जरा बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। फिल्म ची जो ये है इनका टाइटल, ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है, और मुझे यहाँ आकर बड़ी अत्यधिक खुशी हुई कि यहाँ की जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो प्रतिभाशाली लोग कैसे बढ़ें, कैसे उन्नति के शिखर को छुएं, इसके लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। उसी श्रृंखला में आबिर खान जी ने जो फिल्मची का शुभारंभ किया है, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा, सबका मार्गदर्शन करेगा और दुनिया को बताएगा कि हम लोग जो भी आपके लिए हम देते हैं, हम परोसते हैं, वो यथार्थ परोसते हैं, हम सत्यता बताते हैं, वो एक ऐसा खजाना निकाल के देंगे इसमें से कि सब लोगों को अच्छा लगेगा, सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, और ये जो आपका फिल्मची है ये पूरे दुनिया में इसका नाम रोशन होगा। मैं इस बात के लिए भाई हमारे आबिर खान साहब को, आप सबके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय माई की, जय माई की, जय माई की। हाँ, अभी हमारे बीच में सबके हंसते चहीते लाडले ले पकड़िए फिल्म ची। अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है फिल्मों का, और ऐसे में आबिर खान एक फिल्म ची एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा माध्यम लेकर आए हैं जिससे मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ इस स्थिति में, इस परिस्थिति में कुछ परिवर्तन आएगा। बेशक आएगा, बेशक आएगा, यकीनन आएगा। परिवर्तन इसलिए आएगा क्योंकि जो अभी चल रहा है, मेरा मानना है आपका पर्सनल किसी से कैसा भी व्यवहार हो लेकिन प्रोफेशन के आड़े नहीं आना चाहिए, और अच्छी अच्छी फिल्मों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक फिल्म चलती है तो उसमें न जाने कितनों का घर चलता है, और एक फिल्म जब हिट होती है तो 5 और प्रोड्यूसर हिम्मत करते हैं कि एक और फिल्म बनाए। तो ऐसे में फिल्मों का प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में ऐसे प्लेटफॉर्म का आना मतलब आवश्यक है और अनिवार्य है, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए और बहिष्कार का बहिष्कार करना चाहिए। हाँ, तो अब आपके सामने हम सबके लाडले भाई शब्बीर साहब दो शब्द बोलेंगे फिल्मची के लिए। फिल्मची सारे मेरे दोस्तों को सलाम, और मैं भी एडवर्टाइज़र हूँ, मीना कुमारी का स्पॉट बॉय था, वहाँ से अल्लाह ने मुझे एडवर्टाइज़र बनाया, आज अल्लाह का करम है कि 3,500 फिल्में किया, और फिल्में दुआओं से बनती है। हम और आप नहीं रहेंगे लेकिन यादें रहेगी, आप पैदा भी नहीं हुए मुगले आजम भाई, खाने को खाते हैं, पिक्चर देखते हैं, लोग पिक्चर देखते हैं, हमारा नारा ही है खेल देखो बंदर का माल निकालो,
पिक्चर का जन्म कहीं नहीं रहे, जैसे एडवर्टाइजर हैं वैसे आप लोगों की दुआएं हैं, क्योंकि मैंने बड़े बड़े एक्टर गोविंदा प्लस नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय कुमार, जो भी बच्चे आए, लेकिन शाहरुख खान, सबके साथ अल्लाह ने काम किया, क्योंकि फिर मीना कुमारी का स्पॉट भाई था, तो दिलीप कुमार से लेके आज के एक्टर सबके साथ काम किया। मेरे करीबी में कम से कम 300 एड मेरे मुंडे साहब मेरे साथ किए, भैया मुंडे साहब का तो जय जय कर रहे हैं, तालियां हो जाए मुंडे साहब के लिए। उसका बेटा है, बाप के साथ बेटा फ्री है, क्या बात है, मुझे सबसे ज्यादा कह, मेरा टिंकू है, मेरा एक शेर बब्बर पीछे खड़ा हुआ है प्रभात, तो जो भी फिल्में हम लेते हैं। As a person and as a journalist, he is one of the best people I've come across. एक रिश्ता ऐसे बना है, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, हम दोनों के बीच में पर्सनल रैपो पहले दिन से ही बना था शायद, जब आप घर आए थे एक दिन, और तब से हमने वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन करके ट्रांसफॉर्म हुआ है इनटू अ पर्सनल रिलेशनशिप, इसलिए मैं इनके सारे जो इवेंट्स होते हैं, सारे जो एंडेवर्स होते हैं, सारे जो एंटरप्राइजेज होते हैं, जैसे कि आज ये टमची का लॉन्च हो रहा है, तो इनको सपोर्ट करने आया हूँ और आते रहूँगा, क्योंकि मुझे अच्छे इंसान पसंद है। आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज और जर्नलिस्ट के बीच में कुछ ऐसा है? आई थिंक वो थोड़ा सा वो एक डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि जर्नलिस्ट के लिए खास करके, क्योंकि अगर उनको ट्रू जर्नलिज्म करनी हो, और अगर आप बायस हो, क्योंकि आपका अगर समझो कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जो आप जिसकी रिपोर्टिंग आप करना चाह रहे हो, तो आप ऑब्वियसली बायस होंगे क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, तो वो आप कैसे करोगे? आई थिंक वो प्रोफेशनल इक्वेशन जो है प्रोफेशनल ही रहना चाहिए। भाई देखिए, ऐसा कि माध्यम जो है, जैसे जर्नलिज्म है या मीडिया है, उसके बिना तो दुनिया की कोई भी चीज़ हम एक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते, तो माध्यम को तो बहुत ही प्रणाम है। माध्यम का मतलब ही होता है मध्यम, मध्य करने वाला, तो आप सबको तो प्रणाम है ही। और रहा सवाल अबीर भाई का, तो अबीर भाई यारों के यार, बहुत ही अच्छे इंसान, दिल के साफ, और जब भी मैंने इनको कोई रिक्वेस्ट की कि भैया मेरा कुछ काम है कुछ है, आधी रात को एक मिनट पहले भी मैं फ़ोन करूं, तो ये इनका जवाब था कि आ जाओ करते हैं या मैं आता हूं। मतलब सचमुच जो लोग बोलते हैं ना, डायलॉग बोलते हैं कि यार आज रात को मुझे फ़ोन करना, पहले कई बार सुना होगा, लेकिन इस आदमी ने उस कहावत को सार्थक किया। यही वजह है कि आज आप सब लोग इतना प्यार से अबीर भाई के इस खूबसूरत ऑफिस में आए, अश्विन भाई आए, हम सब भी आए, तो दिल से दुआ देते हैं कि इस ऑफिस में, और हाईलाइट है कि इस ऑफिस की पॉजिटिविटी इतनी अच्छी है कि यहाँ पर मैंने दो फिल्मों की शूटिंग की, सीन शूट किए, और वो फिल्में रिलीज़ भी हुई। अभी एक और फिल्म हमने यहाँ शूट की थी, गाली गलौज, फिल्म का नाम है गाली गलौज, लेकिन फिल्म में गाली गलौज नहीं है, जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे फिल्म में गाली गलौज जो है विलन है, जो आजकल सोशल मीडिया पर जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर किया जाता है, उस पर मद्देनजर की फिल्म की हमने, और आपके लिए, आप सबकी दुआ उसके लिए भी चाहिए, और आप सबका धन्यवाद, आप सब जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा आपका फैंस भी होता है। देखियो मीडिया अपना काम कर रही है, क्योंकि वो चीज़ वो दिखाएंगे जो पब्लिक कंज्यूम करती है, तो अगर हमें किसी को दोषी ठहराना है तो पब्लिक को दोषी ठहराना चाहिए, कि वो ये कॉन्ट्रोवर्सी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। जैसे अभी हम लोग बिग बॉस की बात कर रहे हैं, तो बिग बॉस में अगर आप प्यार मोहब्बत से रहोगे तो टीआरपी गिरेंगे, क्योंकि लोगों को देखना, भले उनका स्लोगन होता है कि झगड़ा नहीं चाहिए, गाली गलौज नहीं चाहिए, लेकिन वो अंडर टेबल ये कहना चाहते हैं कि करो ये सब करोगे नहीं तो टीआरपी नहीं मिलेगी। वरना बिग बॉस हम लोग देखते किस लिए, अरे यार उसका झगड़ा देखते हैं। बिग बॉस की बात की, आपको पता है
Of course, it's very sad, and you know, may the soul rest in peace. I think, खास करके आज के डेट में ये हमारी जो ज़िंदगी है, बहुत ही fast paced हो गई है. हम ये rat race में हैं. जो मैं इस rat race से थोड़ा दूर रहता हूँ, क्योंकि अगर आप rat race में हो, तो आप rat हैं. मैं अपने आप को चूहा नहीं मानता. मैं शेर हूँ, तो मैं अपना रास्ता ढूंढता हूँ और अपना रास्ता बनाता हूँ. तो उसमें उस रैट रेस में अगर आप रहोगे तो टेंशन और स्ट्रेस तो रहेगी, और ख़ास करके अभी कोविड के बाद हमारी इम्यून सिस्टम को काफ़ी ये पहुँचा है. तो आई थिंक मोसो नाव हमें अपने हेल्थ पे, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. और जितना हम जिम जाएँ वो इज़ नॉट इनफ, क्योंकि आपको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. उससे आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, हार्ट पे प्रेशर आ जाता है. यार ये तो हमारे लिए बहुत ही, मतलब हम लोग जब से ये हमारे पास जानकारी आई है, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि हमें डे नाइट प्रे करना पड़ेगा एक चमत्कार के लिए. लेकिन जैसा कि मैं मानता हूँ कि जिस बंदे ने इतना हंसाया है, क्योंकि हंसाना मतलब जो है वो प्रभु की सच्ची पूजा होती है, इबादत होती है. क्योंकि रंडिदा फाजी साहब ने कहा था कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, इसी रोते में बच्चे को हंसाया जाए. तो हंसाना जो है बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इंसानियत है. और मुझे लगता है कि ये हमारी परीक्षा भी है, राजू भाई की परीक्षा भी है, और सबसे बड़ी ये भगवान की परीक्षा है, ऊपर वाली परीक्षा है. और मुझे लगता है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, डॉक्टरों की मेडिसिन और भगवान की वैक्सीन मिलके एक चमत्कार होने वाला है. हमें बहुत उम्मीद है, और राजू भाई फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे और हंसाएंगे. तो अब तो बस रेडी है राजू भाई का इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे. देखिए मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि क्योंकि साउथ फिल्म के चार पांच फिल्म चले, कितनी फिल्में बन गई हैं, क्या वो सब चली हैं यहाँ पर बॉलीवुड में, पूरे देश में चली हैं, नहीं चली. तो ये आई थिंक फर्स्टली एक रॉन्ग टैग लगाए कि सिर्फ साउथ की फिल्में चल रही. रही बात ये, तो ऑफकोर्स फिल्मों को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक जो ट्रू फैंस हैं, जो सिनेमा लवर्स हैं, अगर आपकी फिल्म में दम हो, अगर आपके प्रोजेक्ट में, शो में दम हो, तो वो देखेंगे. आई डोंट थिंक कि वो इन चीज़ों से इफेक्ट होते हैं. जो सर ने एकदम सही बोला है, उनकी बात में तो बिल्कुल सेम टू सेम मैं कहना चाहूँगा. पहली बात तो ये है कि सिनेमा इतना बदला है, और इतना ज़्यादा बदला, और इतना अति बदला है कि वो ऐसा लग रहा है ऑडियंस से बदला ले रहा है. इस टाइम से बदला है क्या है कि गे कल्चर आ गया, लिविंग रिलेशनशिप वाला कल्चर आ गया, हीरोइनें गाली गलौज कर रही है, हीरो हीरोइन से बदतमीजी कर रहा है. मतलब आप प्यार मोहब्बत की बात अलग है कि प्यार मोहब्बत में एक जैसे होता था हमारे हिंदुस्तान में होता है, और क्योंकि लड़का लड़की को प्रेरित करता है वो सब चीज़ें होती, लेकिन एक